हेलो फ्रेंड्स, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आपका सपना है और आपने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या इवन अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो तो आप ये सपने को पूरा कर सकते हो। सीए इंस्टीट्यूट ने जो न्यू स्कीम लाया है उसमें फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है कि दे कैन रजिस्टर फॉर द इंटरमीडिएट कोर्स डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू अपियर फॉर द सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, ये जो फाइनल ईयर है ग्रेजुएशन का, इस दौरान आप लोग प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हो सीए इंटरमीडिएट में। आप सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो और फिर एटलीस्ट 8 मंथ का गैप रहना चाहिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेकर के एग्जाम का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अगस्त एंड तक के रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आप अगले साल की मई वाली एग्जाम दे पाओगे, लेकिन अगर आपने उसके बाद लिया सिर्फ फरवरी एंड तक के रजिस्ट्रेशन लिया तो आप उसके बाद की नवंबर वाली एग्जाम दे पाओगे ऑफ सीए इंटरमीडिएट। बट एक कंडीशन ये है कि अगर आपने प्रोविजनल एडमिशन लिया है ऑन द बेसिस ऑफ बींग इन द फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन कोर्स, तो आपको ICAI के इंटरमीडिएट का एग्जाम फॉर्म भरने के पहले आपके ग्रेजुएशन कंप्लीशन का प्रूफ सबमिट करना होगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को। तो इससे क्या होगा कि आपका ग्रेजुएशन तब तक ही कंप्लीट हो गया है बट एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली आपकी इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है। सो इट विल हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। अब आपने ऐसा प्लानिंग करना चाहिए कि आप अगर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो तो आप लोग साथ साथ में सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस भी कर ले रहे हो। एंड फ्रेंड्स, गुड न्यूज ये भी है कि हमारी सीए इंटरमीडिएट की एक न्यू बैच, एकदम फ्रेश बैच फॉर द न्यू कोर्स अभी जस्ट स्टार्ट होने वाली है। अर्ली बर्ड बैच 25th ऑफ जुलाई को स्टार्ट होगी एंड एक रेगुलर बैच जो है वो अभी सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाएगा अगस्त में, उसके बाद सीए अराउंड 15-17 अगस्त के आसपास में स्टार्ट होगी। तो आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं एंड साथ साथ में आप अपने सीए बनने के सपने को आप शुरू कर सकते हैं, उसकी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब यहां पर सीए इंटरमीडिएट में टोटल देर आर 6 सब्जेक्ट्स एंड डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो इसके लिए प्रोफेशनल पढ़ाई करना होगा, आपको प्रॉपर क्वालिफाइड फैकल्टी से ही पढ़ना होगा। एंड यस, हम लोग आपको पूरा रोड मैप बताएंगे, हम लोग आपको गाइडेंस देंगे हाउ टू गो अबाउट इट। इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर ग्रेजुएशन जर्नी, बट बिलीव मी, इससे जो वैल्यू एड होगा वो बहुत जबरदस्त रहेगा। अब सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स कंप्लीट अगर आपने कर लिया, क्लियर कर लिया, उसके बाद में आपको सीए इंस्टीट्यूट में ICITSS करके कोर्स होता है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनिंग होता है। उसके बाद में आप लोग अपनी आर्टिकलशिप, दैट इज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इसकी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो कोई भी सीए के अंडर में, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए फर्म के अंडर में, जहां आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। अगर आपने सिंपली इंटरमीडिएट की बोध ग्रुप पास कर लिया है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 साल की कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप अगर सीए फाइनल एग्जाम देते हो तो फिर तो उसके बाद आप सीए बन जाओगे। अगर आप मान लो सीए फाइनल के एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो या अगर आप मान लो सीए फाइनल एग्जाम नहीं देना चाहते हो, यू चूज नॉट टू, तो फिर आपको फिर भी ICAI की तरफ से बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट नाम की एक डिग्री मिल जाएगी, एक क्वालिफिकेशन मिल जाएगी, जिसका अगेन इंडस्ट्री में अच्छा खासा रेपुटेशन रहेगा, विच विल बी मच बेटर देन द प्लेन ग्रेजुएशन दैट यू हैव बीन डूइंग। सो कॉमर्स ग्रेजुएट्स को अगर इसमें आना है तो उनको एटलीस्ट 55% मार्क्स स्कोर करना होगा इन देयर फाइनल ईयर ग्रेजुएशन, और जो नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं उन लोगों को एटलीस्ट 60% मार्क्स स्कोर करना होगा। तो कॉमर्स ग्रेजुएट्स की कैटेगरी में बीकॉम, बीबीए, बीसीसीए एंड ऐसे कुछ कोर्सेज कवर हो जाते हैं। आपको अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप इंडिविजुअली आकर के हमारी काउंसलिंग ले सकते हैं, हमसे मिल सकते, पूछ सकते कि आप कब सीए इंटरमीडिएट के एलिजिबल हो जाओगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही काम की न्यूज है, यू शुड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स हु वांटेड टू डू सीए बट लेट हो गए हैं एंड अब करना चाहते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन अवेलेबल। सो विदाउट वेटिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन टू रजिस्टर फॉर सीए कोर्स, अब डायरेक्टली आप लोग फाइनल ईयर में आ सकते हैं। एंड अब सीए इंटरमीडिएट एग्जाम देने के पहले आर्टिकलशिप करने की रिक्वायरमेंट भी अब मैंडेटरी नहीं है। पहले ऐसा था कि 8-9 महीने की आर्टिकलशिप करना होता था फिर ही आप सीए इंटर के एग्जाम देते थे अगर डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आ रहे हो तो। और ये सेम स्कीम जो है ये कंपनी सेक्रेटरी के जो इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन पास स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। आई थिंक कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट के इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। एंड कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उनके भी इंटरमीडिएट लेवल पास स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। सो यू कैन टेक द मोस्ट बेनिफिट ऑफ दिस एंड रजिस्टर इन द इंटरमीडिएट कोर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया।